खबर दें कि आपको एफआईए के हवाले से, तो एफआईए ने रवां साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 95 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में 1221 केसेस रजिस्टर्ड हो सके। मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा कारकर्दगी रिपोर्ट की तफसीलात। जैसे क्योंकि साल में तो हर इधर अपनी जो है कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करे, एफ आई ए ने भी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ सर्कल्स में जो एफ आई ए ने अब तक 587 जो मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिसमें 95 जो है इश्तिहारी मुलजमान भी शामिल है। एफ आई ए के तादाद शुमार के मुताबिक ट्रैफिकिंग सर्कल में सबसे ज्यादा जो है केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिनकी तादाद 1221 है, जिसमें से 870 चालान जो अदालतों में जमा कराए गए, जबकि कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के 194 केसेज में से 74 चालान जो है सिर्फ अदालतों में जमा करवाए जा सके, जबकि एंटी करप्शन ने जो है जो का सर्कल है उसे रवा साल में 98 करोड़ रुपए की रिकवरी की, जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने मुख्य मुलजमान और इंसानी संबंधों से 2,75,00,000 रुपए से जायद की जो है रिकवरी की गई है, जबकि कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में मुलजमान ने जो जो फ्रॉड किए थे उसकी मद में जो 14 करोड़ रुपए से जायद की जो रिकवरी की गई है। यह तादाद शुमार जो है एफ आई ए की जानेब से जारी किए गए हैं। शुक्रिया राहिल सैयद।